सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों टेक्निकल आजमी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के Y12G फोन के ऐप ड्रॉअर स्टाइल सेटिंग के बारे में। हाँ दोस्तों, ऐप ड्रॉअर स्टाइल के बारे में हम बात करने वाले हैं वीवो के Y12G फोन के सेटिंग से कैसे आप इसको इनेबल करोगे एंड इसको कैसे ऑफ करोगे, मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में पूरे फुल डिटेल में। तो फाइनली दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो फाइनली दोस्तों हम बात करने वाले हैं वीवो के Y12G फोन के ऐप डोर स्टाइल सेटिंग के बारे में। चलते अपने फोन के स्क्रीन पे और आप लोग को चल के बता देता हूं। तो फाइनली दोस्तों साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि यहां पे हम बात करने वाले हैं वीवो के Y12G फोन के ऐप ड्रॉअर स्टाइल के बारे में, जो कि ऐप ड्रॉअर स्टाइल को आप अपने फोन के सेटिंग से कैसे इनेबल करोगे, अगर आप इसको ऑफ भी करना चाहते हो तो कैसे इसको ऑफ करोगे, मैं इन दोनों तरीके के बारे में आपको बताने वाला हूं। जैसे कि यहां पे आपको कुछ इस तरीके का ऐप डोर स्टाइल आपको वीवो के Y12G फोन में देखने को मिल जाता है। अगर आपके वीवो के Y12G फोन में ऐप डोर का फीचर्स देखने को नहीं मिलता सेटिंग में, तो मैं आपको बताऊंगा दो तरीका, जो कि एक ऐप के जरिए भी बताऊंगा, एक अपने फोन के सेटिंग से भी जरिए बताऊंगा। तो दोनों तरीके से आपके फोन में काम करने वाला है। तो चलते हैं पहले अपने फोन के सेटिंग से आपको बताता हूं। तो यहां पर हमें फोन में सेटिंग में आना, उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे मिल जाएगा यहां पर होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, तो यहां पर हमें क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना मिल जाता है, होम स्क्रीन सेटिंग, यहां पे हमें क्लिक करना। उसके बाद हमें मिल जाता है होम स्क्रीन स्टाइल, तो यहां पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहां पे आपको कुछ इस तरीके का ऐप डोर स्टाइल का सेटिंग देखने को मिल जाता है। और यहां पे जो कि ऑलरेडी मैंने अपने फोन में यूज कर रहा हूं इनेबल भी है, अगर आपको ऑफ करना तो यहां से आप इसको ऑफ कर दोगे, अगर आपको इनेबल करना तो डोर स्टाइल पे आप ऑन कर दोगे। तो यहां पर अगर आप ऑफ करोगे तो इस तरीके का आपका ऑफ हो जाएगा और यहाँ पे जो आपका एडोर स्टाइल है यहाँ पे ऑफ हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपने फोन में एडोर स्टाइल को यूज नहीं कर पाता हूँ। अब मैं इसको इनेबल करना चाहूंगा तो फिर से हमें आना है लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर पे, उसके बाद होम स्क्रीन सेटिंग एंड उसके बाद हमें मिल जाएगा होम स्क्रीन स्टाइल, यहाँ पे आप इसको इनेबल कर दोगे। तो इस तरीके से आप इसको इनेबल कर दोगे एडोर स्टाइल को अपने वीवो के Y12G फोन के सेटिंग से। उसके बाद आपका यहाँ पे जो होम स्क्रीन जो कि एडोर स्टाइल है यहाँ पे इनेबल हो चुका है और ये अच्छे से आपके फोन में वर्क करेगा। अब बात कर लेता हूं यहां पे आप ऐप से कैसे इसको इनेबल करोगे। अगर आपके फोन में ऐप ड्रॉअर का फीचर्स का सेटिंग नहीं है, आप चाहते हो इनेबल करना, तो आप इस ऐप के जरिए कैसे इनेबल कर पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना, प्ले स्टोर में आना है एंड प्ले स्टोर में आने के बाद आपको सर्च बार पर जाना है और यहां पर आपको सर्च करना है ऐप ड्रॉअर स्टाइल लॉन्चर। तो जैसे कि यहां पर मैंने सर्च करके रख लिया हूं और यहां पर आपको मिल जाएगा, सर्च पर क्लिक करेंगे तीसरे नंबर पे यहाँ पे मिल जाता है ये वाला जो कि लॉन्चर, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, जो कि ऑलरेडी पहले से मैंने अपने फोन में डाउनलोड किया हूँ एंड इसके बारे में जो कि मैंने वीडियो भी बनाया हूँ, इसको भी ट्राई भी किया हूँ, तब जाके मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके फोन में ही ओपन होगा एंड इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते यूर डोर स्टाइल, यहाँ पे आप देख सकते हैं डोर स्टाइल, तो आपको यहाँ पे ऐप डोर का स्टाइल है, यहाँ पे आप नॉर्मल भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऐप डोर इनेबल करने वाला हूँ, तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे इसके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो ऐप डोर को, आप और भी एप्लीकेशन को यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, कितने आइकन को छोटा एंड बड़ा अपने हिसाब से मैनेज कर लोगे एंड यहाँ पे आप जो भी चाहोगे अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लोगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट के बाद आने के बाद आप इसको इनेबल करोगे, जो भी आपको अच्छा लगता है इफेक्ट उस इफेक्ट को आप लगा सकते हो। इसमें आपको अलग अलग इफेक्ट अच्छे अच्छे देखने को मिल जाता है इस एप्लीकेशन में, जो कि फोन के सेटिंग से मुकाबले में अच्छे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पे आप इनेबल कर लोगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट, उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे स्किप का ऑप्शन, यहाँ पे आपको नहीं क्लिक करना, आपको स्किप पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको फिर से स्किप, उसके बाद आपका यहाँ पे प्रोसेस लेगा, यहाँ पे आपका सेट हो चुका है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना, उसके बाद आपका जो ऐप डोर स्टाइल है यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको होम स्क्रीन सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे होम स्क्रीन पे आप लॉन्चर को इसको सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद आपका ये होम स्क्रीन पे लॉन्चर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके Y12G फोन में इस तरीके का ऐप डोर, जो कि लेटेस्ट वन टच ओएस 12 का ऐप डोर स्टाइल आपको देखने को मिल जाएगा।
यहाँ पे जो कि हमारे वीवो के B23 फोन में जो आता है वही आपको एब्रोर स्टाइल लेटेस्ट देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे वीवो के Y12G फोन में आप इनेबल कर पाओगे, इस तरीके से आप यूज कर पाओगे। अगर आप इसको यूज नहीं कर पाओ नहीं करना चाहोगे तो आप इसको बंद भी कर सकते हो अपने फोन के सेटिंग में जाके। तो इस तरीके से आप एब्रोर स्टाइल को इनेबल करके अपने फोन में एंजॉय कर सकते हो वीवो के Y12G फोन में। तो फाइनली दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे आप यहां पे ऐप डबल स्टाइल को इनेबल कर पाओगे अपने वीवो के Y12G फोन के सेटिंग से, एंड इसके बारे में आप लोग को बता दिया हूं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए सो आज के लिए इतना ही। आई होप अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के इन प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए सो फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाय बाय दोस्तों।